का सेशन रहेगा हिस्ट्री का, जिसमें हिस्ट्री से ढेरों क्वेश्चन आता है, जैसे कंपनी। तो ऐसे भारत में कंपनी आते जाते रहे, लेकिन यूरोपीय कंपनी जो व्यापार करने के लिए आते थे स्थलीय मार्ग से आते थे। तो स्थलीय मार्ग को छोड़ करके जब स्थलीय मार्ग बंद हो गए, अवरुद्ध हो गए, तब से कंपनियों ने या व्यापारियों ने वहाँ से यूरोप से तो एशिया आने के लिए उन्होंने स्थलीय मार्ग को छोड़कर जल मार्ग चुना। तो जल मार्ग से आने के क्रम में जो जो आए यूरोपीय व्यापारी, उन सबों को हम पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछता है, भारत में आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनी कौन थे? तो इस तरह से हम देखेंगे भारत कौन कौन सी कंपनी आए और कब आए, कैसे आए। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, ट्रिक इसका है पुत्र अडा डैड फसा। मैन ट्रिक है पुत्र अडा डैड फसा, जिसमें हर एक अक्षर का एक कोड बनता है। देखते हैं पुत्र, पुत्र का है पुर्तगाल, जो भारत आने वाला सबसे पहला यूरोपीय कंपनी था। ये 1498 ईस्वी में भारत आया था। और भारत आने वाला पुर्तगाल में वास्को डी गामा, जो भारत से लेकर गए थे मसाले का व्यापार किए थे, और उन्हें यूरोप जाकर के पूरे 60 गुना मुनाफा हुआ था। तो आगे चलते हैं, अ है अक्षर का, और से है अंग्रेज, और ये आए थे 1600 ईस्वी में, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में जाना गया 1600 ईस्वी में। आगे देखते हैं तो डाक से है, डाक का अर्थ बनता है डच। डच आए थे 1602 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं तो डाई से है डेनिस, डेनिस आए थे 1616 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं फॉक्सर का है फ्रांसीसी, फ्रांसीसी व्यापारी भारत आए थे 1664 ईस्वी में। और आगे देखते हैं तो सा से है स्वीडिश, स्वीडिश कंपनी 1731 ईस्वी में आए थे भारत। तो ये था यूरोप के कंपनी। और नेक्स्ट देखते हैं प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय, यानी भारत आगे जाने के बाद यहाँ पर कई नाम से, यानी गवर्नर जनरल के नाम से, वायसराय के नाम से जाने गए। तो पूछा जाता है यहाँ से, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय कौन थे, या बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इस तरह से हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और इसको याद रखेंगे। ट्रिक है रॉबर्ट है विलियम की मौसी, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। आइए देखते हैं रॉबर्ट, तो रॉबर्ट का अर्थ बनता है रॉबर्ट क्लाइव। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर थे, 1746 से 1774 तक इनका कार्यकाल रहा, रॉबर्ट क्लाइव का। नेक्स्ट लेटर देखते हैं है का अर्थ बनता है वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। गवर्नर के बाद अगला पद बना था गवर्नर जनरल। तो इनका कार्यकाल रहा 1772 से 1785 ईस्वी तक। नेक्स्ट देखते हैं विलियम, विलियम का अर्थ तो साथ सैनी सैन है विलियम बैंटिक, और ये भारत का पहला गवर्नर जनरल। 1828 से 1835 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। ये अपने कार्यकाल में बहुत सारे सामाजिक सुधार कार्य किए, सामाजिक सुधार कार्य क्रम में 1829 ईस्वी में इन्होंने सती प्रथा का अंत किए, जो एक बहुत ही खराब प्रथा थी। और मैकाले शिक्षा सुधार, यानी भारतीय शिक्षा सुधार में मैकाले शिक्षा सुधार इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अगला अक्षर है की का अर्थ है कैनिंग, कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय। ये तो सिर्फ बंगाल के थे, और यहाँ देखते हैं कि कैनिंग, कैनिंग जो थे पूरे भारत का प्रथम वायसराय। तो वायसराय के पद होने से प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इनका कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट देखते हैं मो, मो अक्षर का अर्थ बनता है माउंट बेटन, और ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, और इनका कार्यकाल 1947 से 1948 ईस्वी में रहा। और ये स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय भी रहे। नेक्स्ट देखते हैं सी अक्षर है, सी से अर्थ है सी राजगोपालचारी। ये स्वतंत्र भारत का पहला एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल था। तो क्वेश्चन इस यहाँ से दो आता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर या स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो भारतीय थे, वो थे सी राजगोपालचारी। इनका कार्यकाल 1948 से 1950 ईस्वी तक रहा, और 1950 में संविधान लागू के बाद गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया। तो ये था भारत के वायसराय, गवर्नर जनरल, गवर्नर।
और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के ट्रिक लाते रहेंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।